हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमन टेक। तो गाइस, आप तो जानते हैं तरह तरह की वेबसाइट में आप अपना अकाउंट बनाते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप अपना अकाउंट देते हैं या बनाते हैं। तो उसके बाद आप देखे होंगे कि बहुत सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आप यूज़ नहीं करते रेगुलर बेसिस में। बहुत सारा वेबसाइट ऐसा है कि आप पहले यूज़ करते थे, अभी यूज़ नहीं करते, और आपका जो अकाउंट है उसमें साइन इन तो ऑलरेडी रह जाता है, और आपका जो डेटा है वो अकाउंट से रिलेटेड, तो वो अकाउंट से रिलेटेड डेटा जो एक्सेस करते रहता है वो पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या पर्टिकुलर वेबसाइट। जैसे कि आप गाइस जानते हैं, ये तरह तरह के डेटा लीक का केस आते ही जा रहा है। तो आज मैं आपको एक ऐसा वेबसाइट दिखाऊंगा जिसके मदद से जितना भी पॉपुलर साइट में आप अकाउंट बनाए हैं, आप वो अकाउंट आपको हेल्प करेगा वो अकाउंट को डिलीट करने का, दूसरा पॉपुलर वेबसाइट्स का, दूसरा पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। और ये वेबसाइट आपको ये हेल्प करेगा कि जैसे कि आप जानते ही हैं, बहुत सारा वेबसाइट का जो डिलीट वाला सेक्शन होता है, डिलीट अकाउंट वाला सेक्शन होता है, वो बहुत अंदर रहता है, पता नहीं चलता है। बहुत सारा वेबसाइट का तो ऐसे अंदर रहता है कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज रहना चाहिए उसके बारे में, तब जाके आप वो रिलेटेड वाला सेक्शन में खोज पाएंगे। तो आज मैं जो वेबसाइट दिखाने वाला हूँ वो आपको ये हेल्प करेगा कि जो जो पॉपुलर साइट्स है या बहुत सारा जो फेमस ब्लैक लिस्टेड साइट या वाइट लिस्टेड साइट है, तो उसमें जो डिलीटेड वाला सेक्शन में ये आपको डायरेक्ट ले जाएगा डिलीटेड वाला पेज में, जहां आप डायरेक्टली अपना अकाउंट पासवर्ड डाल के वो अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं जो आप वो वेबसाइट में काम नहीं करते या वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप और यूज़ नहीं करते। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं वो वेबसाइट। वो वेबसाइट का नाम है accountkiller.com। और चलिए हम लोग क्रोम खोल लेते हैं और इसमें हम लोग लिखेंगे accountkiller.com और इसमें ओपन कर लेते हैं। ये वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए इसको ओपन में देते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वेबसाइट खुल गया है और आप देख सकते हैं इधर पॉपुलर साइट सबका नाम दिया हुआ है, फेसबुक, ट्विटर, याहू, स्ट्रीम, हॉटमेल, पॉपुलर जितना भी साइट आप देखे होंगे, गूगल, पिन इंटरेस्ट, जहां आप अपना अकाउंट दे दिए हैं, व्हाट्सएप में जहां आप अपना नंबर दे दिए हैं वो आप इधर से डायरेक्ट हटा सकते हैं। नेटफ्लिक्स में अगर आप अकाउंट दे दिए, अपना ईमेल आईडी पासवर्ड दे दिए हैं और आप अभी नेटफ्लिक्स को काम में नहीं लेते हैं और आप जानते हैं फ्यूचर में इसको काम में नहीं लेंगे आप, तो इसको आप डिलीट कर सकते हैं डायरेक्ट इधर क्लिक करके। बहुत सारा पॉपुलर साइट आप देख सकते हैं, ब्लॉगर, ऐसे आप देख सकते हैं, बहुत सारा बाहर कंट्री का भी आप अकाउंट देख सकते हैं, जहां अकाउंट बना दिए होंगे तो बाई चांस आप तो उसको हटा सकते हैं डायरेक्टली। वर्डप्रेस में अगर आप वेब डेवलपर हैं तो वर्डप्रेस में आप अगर अपना अकाउंट बना चुके हैं और आप वो अकाउंट को काम में नहीं लेते तो आप इधर डायरेक्ट जा सकते हैं। तो मैं आपको फेसबुक दिखा देता हूँ। फेसबुक में आप डिलीट फेसबुक अकाउंट में जैसे आप क्लिक करेंगे, ये रिडायरेक्ट करेगा आपको वही पेज से जो पेज में फेसबुक डिलीट होता है। तो आप देख सकते हैं इधर आप देख हेल्प में सेक्शन में जा सकते हैं, ये बता देगा हेल्प सेक्शन में कैसे डिलीट होता है। नहीं तो आप इधर डिलीट डीएक्टिवेट में क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट रिमूवल लिंक में भी जा सकते हैं। तो ओपन इन न्यू टैब, ओपन इन न्यू टैब में जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे आप अपना ईमेल आईडी पासवर्ड देंगे तो वो आपको डायरेक्टली वो डिलीटेड वाला पेज में ले जाएगा। वहां से आप अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालिए और आपका अकाउंट फेसबुक से हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। ना केवल ये फेसबुक में सीमित है, ऐसे आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में डिलीट कर सकते हैं अपने अकाउंट को जो आप यूज़ नहीं करते, या आपने दूसरा न्यू अकाउंट बना लिया है, पुराना अकाउंट को आप हटाना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत ही पॉपुलर साइट्स आप देख सकते हैं। और अगर आप देखेंगे ब्लैक लिस्ट वेबसाइट होता है, जो ब्लैक लिस्टेड किया जाता है, ख़राब वेबसाइट होता है और आप अपना अकाउंट उसमें बना चुके हैं तो आप चाहते हैं उधर से आप अपना अकाउंट को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, तो इधर देख सकते हैं ब्लैक लिस्टेड साइट में ऐसे आपको बहुत सारा साइट मिल जाएगा, ए से लेके 9 तक है। तो आप कोई भी अपना जो ब्लैक लिस्टेड साइट में अगर बाई चांस आप अपना अकाउंट बना चुके हैं, आप चाहते हैं अपना डिटेल को उधर से हटाने के लिए, आप ये इसका सहारा ले सकते हैं, आप डायरेक्टली उधर जाकर कर सकते हैं। व्हाइट लिस्टेड जो साइट होता है वो अच्छा साइट होता है जैसे आप जानते ही है, और इधर भी आप अपना अकाउंट हटा सकते हैं। तो बेसिकली आपको जितना भी साइट्स मिल जाता है पॉपुलर साइट, तो उसको आप मिल जाता है। सबसे पॉपुलर में तो आपको फेसबुक, व्हाट्सएप सब मिल जाएगा। ब्लैक लिस्टेड में जो आपका जो वेबसाइट सब बैन किया गया है बहुत सारा कंट्री में, वो वेबसाइट सब को भी आपको एक्सेस करने मिल जाएगा और रिमूव करने मिल जाएगा। ऑल साइट में जाएंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। सबमिट अ साइट, मतलब अगर बाई चांस ये इधर में आपको ये वो साइट जो पर्टिकुलर साइट में आप अपना अकाउंट बनाना अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं वो साइट लिस्टेड नहीं है, तो आप सबमिट अ साइट पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट आपका परमिशन ले लेगा, आपका जो रिक्वेस्ट है वो ले लेगा और आपको कुछ दिन में वो वेबसाइट का डिलीटेड वाला पेज
ला देगा। तो आया होगा गाइस, आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको करना होगा। आपको जस्ट बैक करना होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। आपको जस्ट पॉपुलर में जाना होगा, पॉपुलर नहीं, आप जो साइट लाना चाहते हैं वो साइट को यूज़ कर सकते हैं, मैं पॉपुलर में दिखा देता हूँ। तो आप बेसिकली आप कोई भी साइट चुन लीजिए, मान लीजिए आपको ट्विटर का हटाना है तो डिलीट ट्विटर अकाउंट क्लिक करेंगे, तो डिलीट ट्विटर अकाउंट क्लिक करेंगे तो उसमें आपको एक लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट ट्विटर जो डिलीटेड पेज है उधर आपको एक्सेस मिल जाएगा। वहाँ जाके आपको अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालना होगा और आपका काम हो जाएगा। इधर आप डायरेक्ट रिमूवल लिंक में क्लिक करेंगे, डायरेक्ट रिमूवल क्लिक में जैसे क्लिक करेंगे तो आपको अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको रिडायरेक्ट कर देगा जो डिलीटेड पेज है, और आप अपना फेसबुक अकाउंट या ट्विटर अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया कंप्लीट प्रोसेस, आपको कैसे ये वेबसाइट को काम में लेना है। और आप चाहते हैं कि अपना जो पुराना ईमेल आईडी या पासवर्ड है, जो फेसबुक अकाउंट में अकाउंट बनाया हुआ है, जो गलत काम के लिए भी यूज़ हो सकता है आपका फ़ोटो सब, तो आप उसको हटा सकते हैं यूज़ करके ये एप्लीकेशन को। और ऐसे बहुत सारा काम आप कर सकते हैं जो आप नहीं यूज़ करते वेबसाइट को, जो वेबसाइट को अगर आप यूज़ नहीं कर रहे आप अपना डेटा देखे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चलिए आप ये वेबसाइट को यूज़ कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए आ गए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ मिलते रहेगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यू वेबसाइट के बारे में पता चलते रहेगा। सब्सक्राइब अगर कर लिए होंगे तो बेल का आइकन भी क्लिक कर दीजिए, बेल का आइकन क्लिक करने से ये होगा मैं जब भी वीडियो डालता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और आप मेरे कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड एंड गुड बाय।